सुविधा ही आफत बन जाए तो आप क्या कहेंगे। हम बात कर रहे हैं धमतरी जिले के भैंसामुंडा गांव की, जहां के किसानों को राहत देने के लिए बनाई गई नहर नाली अब इसके परेशानी का सबब बन गई है। खेती किसानी के लिए पानी को पर्याप्त मिल रहा है, पर नहर के बनने से तीन गांव के मवेशी इस पार से उस पार मैदान में चरने के लिए नहीं जा पा रहे। साथ ही मवेशी किसानों की बड़ी मेहनत से उगाई खड़ी फसल को ही खराब कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों को भी आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण जिला प्रशासन से पिछले एक साल से पुलिया की मांग कर रहे हैं, पर उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। जाने जाने के लिए दिक्कत हो रहा है। अब पहली अभी क्या है कि पिछले साल हमको पुल मांग कर ये थे एक तालाब के नीचे, वहाँ से ऐसा था कि दोनों तरफ से रोड बनाया था, काम चल रहा था, तो हम लोग धोखा में रह गए कि वहाँ पुल बनेगा, गाड़ी मोटर आ जा रहा है। तो अभी जब नाली में निर्माण किए तो पुल को पूरा रोड को दोनों तरफ से हटा दिया, फेंक दिया। तो वहाँ क्या है, हम लोग को गाड़ी लाने ले जाने के लिए गाँव से इस पार उस पार आने जाने के लिए परेशान हो रहा है किसान लोग। जो केनाल बना है उसमें मवेशियों के आने जाने के लिए जो पुल निर्माण करने की बात हुई थी, और जब मैं SDM के रूप में पूर्व में पदस्थ था उसमें भी उनके ठेकेदार और ई पलाड़िया जी से और ग्रामीणों के साथ बैठक करके निर्णय भी लिए थे कि वहाँ पुल का निर्माण करेगा ठेकेदार, किंतु अब तो मैं यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन SDM साहब को पुनः उनके साथ बैठक करने के लिए बात किया है और दुर्भाग्य से उनसे भी बात किया पलाड़िया जी से, वो काम क्यों नहीं। इंदौर नगर निगम में